आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 133वीं जयंती भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ द्वारा लिली टॉकीज चौराहे पर मनाई गई, जिसमें संगठन के समस्त पदाधिकारी ने माल्यार्पण किया और साथ ही समाज को एक अच्छा संदेश दिया। मेरा नाम डॉक्टर एसबी नगदा, मैं भोपाल जिले का बामसेफ का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पर यही उपदेश देना चाहूँगा, मतलब जो है भारत के लोगों को, कि भारत के लोग जो है यहाँ पे अंधविश्वास और रूढ़िवाद को ख़त्म करें और बाबा साहब की विचारधारा को अपनाते हुए भारत में जो है वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त हो और भारत जो है जो विश्व के विश्व मतलब जो विकासशील। आपका? मेरा नाम राजू खरे, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का संभागीय अध्यक्ष हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को आज? समाज को ये कि हमारे जो महापुरुषों ने जो विचारधारा दी हम लोगों को, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको उनके जो काम है उसको आगे करना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा का जो बाबा साहब हमें दे रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित अच्छी शिक्षा दीजिए, तो हम लोग भले ही चाहे वो दो रोटी खाते हैं एक रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा दें जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के ज्ञानी बने और बुद्ध में जो भारत उनका एक सपना था बाबा साहब का वो सब करता हूँ। मैं यह समाज के लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के अनुसार ही अपन चलें, ये बेकार के जो ढोल ढमाके ऐसा ना करते, उनकी विचारधारा और उनकी पढ़ाई लिखाई संघर्ष करो एक रहो, इस प्रकार से हम आप कार्य करें तो हमारे समाज की उन्नति होगी और बाबा साहब का सपना भी। सर, बाबा साहब को जानने की ज़रूरत है कि मानने की ज़रूरत है? बाबा साहब को इस वक्त जानने कि जानते सभी उनके क्यों मार्ग पर चलने की हमें आवश्यकता है और हम वही अपने हम लोगों से कहते हैं कि अपने बाबा साहब के जो बताए मार्ग हैं उन पर वो अग्रसर हों। बोल लोगों से बात करेंगे। सर नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जुबेर है, मैं बामसेफ का प्रचारक भोपाल जिले का। क्या कहना चाहते हैं आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में? अम्बेडकर जयंती पे बोलना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब की जो विचार हैं वो घर घर जाना चाहिए, घर घर लोगों को पहुंचाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए।